हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में परंपरा के अनुसार स्थानीय ग्रामीण देवता माघ माह में हर वर्ष स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं, लेकिन स्वर्ग से वापसी क्षेत्र के देवताओं की अलग अलग तिथि पर होती है। कोई देवता 15 दिन के बाद तो कोई एक माह में और कोई डेढ़ माह में स्वर्ग से वापस लौटते हैं। इसी क्रम में रामपुर के रचौली जाग देवता समेत क्षेत्र के अधिकतर देवता आज एक माह के स्वर्ग प्रवास से लौटे हैं। क्षेत्र के लोगों को भी इस दिन बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि देवता स्वर्ग से लौटते ही साल भर की भविष्यवाणी करते हैं। साल कैसा रहने वाला है, अकाल या निपिपदाएं तो नहीं आने वाली है, बारिश होगी या नहीं, महामारी तो नहीं फैलने वाली, ये सारी बातें देवता गुरु के माध्यम से इस दौरान बताते हैं। देवताओं ने अपने अपने गुरुओं के माध्यम से भविष्यवाणी में सुख समृद्धि के साथ शांति बनी रहने की भविष्यवाणी की है। इस दौरान रचौली देवता ने अपने गुर के माध्यम से लोगों को सरसों के दाने देकर हर व्यक्ति का साल कैसा रहने वाला है ये भी बताया। उन्होंने किसी पर विपदा आने वाली है तो उसका निपटारे के उपाय भी बताए। रचौली मंदिर के मुख्य पुजारी रामकृष्ण ने बताया कि परंपरा के अनुसार रचौली देवता एक माह के लिए स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं, वहाँ देवी देवताओं का मिलन। इस बार देवता ने भविष्यवाणी में सुखद आशीर्वाद दिया है। साल अच्छी फसल रहने, बारिशें भी सही होंगी, इलाका फलेगा फूलेगा, महामारी आदि का भय नहीं रहेगा, ये भविष्यवाणी की। मेरा नाम रामकृष्ण है, मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। ये हमारी प्राचीन रीति रिवाज चले आए हैं, जो कि माघ महीने में देवता साहिब जो है स्वर्ग प्रवास पे जाते हैं, वहाँ इनकी मीटिंग होती है देवी देवताओं की। तो ये कभी 12 फरवरी को ये दिन आता है, कभी ये तीसरी चौथी साल 13 फरवरी को ये दिन आता है। तो देवता साहब जो है वापस अपने भक्तों के बीच आते हैं उनका वो आशीर्वाद देने। तो इस बार उन्होंने इस तरह का आशीर्वाद दिया कि भविष्यवाणी में पूरा पूरा इलाका फलेगा फूलेगा, ठीक रहेगा, कोई बीमारी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, फसलें ठीक है, बारिशें ठीक है, किसी किस्म का भी कोई पब्लिक के लिए कष्ट। मंदिर पुजारी काकू ने बताया कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। एक वर्ष के बाद एक माह के लिए देवता स्वर्ग के लिए जाते हैं। देवता 14 जनवरी को स्वर्ग गए और 13 फरवरी को वापस आए हैं। जितने भी देवता स्वर्ग से लौटे हैं, सभी ने साल अच्छा गुजरने की भविष्यवाणी की है। चलो जी, मैं काकू पुजारी पिछले 23 सालों से देवमाम की सेवा में हूँ। ये जो हमारा फंक्शन है कई प्राचीन काल से चला आ रहा है, हम देखते आ रहे हैं हर वर्ष की भांति एक महीने के लिए ये सारी शक्तियाँ स्वर्ग प्रवास में चली जाती है। 14 जनवरी की सुबह ये स्वर्ग प्रवास में चली जाती है और आज मकर संक्रांति 13 तारीख को वापस आती है। आज जब ये स्वर्ग प्रवास से आती है तो हमारे मालिक के द्वारा पूरे साल का विश्वाणी देते हैं। इस साल देवता साहिब ने जितनी भी शक्तियाँ आई है सबका बहुत ही अच्छा विचार रहा है, सबके ऊपर पूरा आशीर्वाद रहेगा, कोई भी ऐसा शब्द ऐसा नहीं बोला जो कहीं ना कहीं किसी को बहम में डालेगा। बहुत अच्छा विचार बोले देव शक्ति ने और भविष्यवाणी भी फसल के ऊपर बहुत अच्छा बोला, हर चीज़ के ऊपर, मत इस साल जो भी भविष्यवाणी बोली वो बहुत ही बढ़िया बोली, बहुत ही बढ़िया रही है और ऐसी आगे सबको आशीर्वाद दिया है। सरसों में मैक्सिमम जो हमारे को सुनने में आ रहा है, जो सरसों दी जा रही है, सबको बहुत अच्छा आ रहा है करके, इसको लेकर लोगों में खुशी है। आदर्श हिमाचल के लिए रामपुर से विशेषज्ञ निधि की विशेष रिपोर्ट।